ई भारत के लॉन्चिंग के उपलक्ष्य में मैं सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं और निश्चित रूप से इस उपक्रम यशस्वी होगा ऐसा विश्वास भी व्यक्त करता हूं। मैं अपने देश में इन सब पॉलिसी का जन्मदाता भी हूं तो मुझे पता है कि इसमें अड़चनें क्या और समस्याएं क्या है। मैंने अभी बताया कि मेरे पास टीवीएस और बजाज हीरो ये तीन ऐसे मैन्युफैक्चरर है देश में कि उनका 50% प्रोडक्शन वो एक्सपोर्ट करते हैं, यानी हमारे देश में एक्सपोर्ट का मार्केट जितना देश का है उतना बाहर का है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये ही है कि उनकी ई स्कूटर जो है ई बाइक बड़ी महंगी है और इसलिए इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने दो स्टडी किया था। अभी दो चार दिन पहले ही टीवीएस के मालिक जो थे वेणु श्रीनिवासन मेरे आए थे और सर्वे में ये मालूम हुआ कि एक स्कूटर आदमी कितने दिन कितने किलोमीटर चलाता है तो उसका जो एवरेज आया है बजाज ने कहा है कि 26 किलोमीटर एक दिन में चलाता है और टीवीएस ने कहा है कि 24 किलोमीटर चलता है और रात को घर में गाड़ी फिर चार्ज होती है। तो मैंने इनको सुझाया कि आप दूर लगाने के अभी ये बोल रहे हैं सोलर से इसकी जरूरत ही नहीं, एक ही बैटरी चार्ज करके अगर 70 किलोमीटर होगा तो कॉस्टिंग कम होगा और इसका मार्केट जो है आजकल लोग जो नागपुर पुणे मुंबई ये थोड़ा ब्रांडेड के तरफ है क्योंकि उनकी पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है, पर जैसे काटोल है नरखेड़ है जलालखेड़ा है इस टाइप के जो छोटे छोटे गाँव है वहां सफाई कामगार पीउन छोटे आदमी भी साइकिल के बजाय इसको चला सकता है, बच्चे कॉलेज में जाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं और इसलिए जो मिनिमम मोटर की कैपेसिटी है उसको जब मैंने ये कानून बनाया था तो उसको मैंने आरटीओ से बाहर कर दिया, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। तो मुझे आपसे एक ही कहना है कि ये मार्केटिंग रूरल एग्रीकल्चर और छोटे गाँव में ज़्यादा होगा। दूसरी बात कॉस्ट में क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हुए आप उसको कॉस्ट कम करिए और कॉस्ट आपकी वैसे भी रीजनेबल है और दूसरी बात आपको थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा लेकर आपके डीलर की फाइनेंसिंग कंपनी निकाल कर अगर इसको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा तो आपका सेल दो गुना तीन गुना बढ़ जाएगा। आजकल हर कंपनी ऑटोमोबाइल कंपनी की अशोक लेलैंड हो टाटा हो महिंद्रा हो इनकी फाइनेंसिंग कंपनी भी होती है तो ये इसके लिए कोई अगर जॉइंट वेंचर पार्टनर मिलता है और वो उससे आप चेक ले लेंगे वो सर्विस करता है तो सैलरी डिडक्शन उसको दे देगा बैंक के अकाउंट से ट्राइपार्टी एग्रीमेंट करके, तो छोटे छोटे लोग सफाई कामगार पीयून होटल में काम करने वाले कर्मचारी इस टाइप के छोटे छोटे लोग अगर इसको लेंगे तो इसके स्वाभाविक रूप से इसका सेल काफ़ी बढ़ेगा। मुझे बहुत खुशी है कि विदर्भ में पहली बार आपने ये कोशिश की और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। अभी तक जब से मैंने ई स्कूटर और ई बाइक का जो काम शुरू किया है 250 लोगों ने शुरू किया है, अरे 250 लोग अब मैन्युफैक्चरिंग में उतरे हैं। इसमें कर्नाटक में बेंगलोर में बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन्स और काफ़ी रिसर्च हुआ है। अभी तो मैं हाइड्रोजन की गाड़ी पे दिल्ली मेरे पास है तो पानी से हाइड्रोजन निकाल कर गाड़ी चलेगी। फिर मैं अभी कल ही मैंने टोयोटो की लॉन्च की, वो ऐसी है कि उसके कैमरी मॉडल था जिसमें 60% पेट्रोल और 40% वही बिजली तैयार करेगा जो बात आप बता रहे थे, पर मैं किसान हूँ और मेरे सपने का मॉडल ये है जो अभी अगले महीने आ रहा है जिसके लिए मैं डंडा लेके बैठा हूँ सबके पीछे, वो ये है कि हमारे किसानों का जो इथेनॉल है जो 60 रुपये लीटर है उसकी कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल के बराबर डीजल के बराबर होगी और जो अभी टोयोटो के मॉडल्स आ रहे हैं कि 60 रुपये लीटर का इथेनॉल भरने के बाद 40% वही बिजली तैयार करेगा, यानी आपके गाड़ी में 30 रुपये लीटर पेट्रोल की कॉस्ट से आपको एवरेज मिलेगा, एकदम बचत होगी और प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। तो टोयोटो हुंडई मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू और बाद में सभी टाटा से लेकर सब लोगों की गाड़ियाँ अगले महीने से आ रही है और बजाज ने और टीवीएस ने और हीरो ने इथेनॉल की लगाई है। आज ही मेरी बात कि इथेनॉल की बाइक नागपुर में लॉन्च कर रहे बाइक और स्कूटर,
मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने किसान के जितने बेटे हैं वो अपने ही फ्यूल को यूज करें, तो ये स्वाभाविक रूप से सस्ता भी है और प्रदूषण से मुक्त भी है। तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी और हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में भी तीन प्रकार है, ग्रीन हाइड्रोजन यानी पानी से निकलता है या बायोमास से निकलता है। आज ही मैं एक कॉरपोरेशन के आयुक्त को कह रहा था कि हमारा शहर पहला है कि हमने टॉयलेट का पानी बेचकर हम लोग 300 करोड़ कमाते हैं। तो मैंने आज ही उनको कहा कि जो सॉलिड वेस्ट को सेग्रीगेट करने के लिए रूफटॉप सोलर लगाओ, और वो पानी जो है गंदा पानी उसी से हम ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करेंगे, और नागपुर कॉरपोरेशन की ट्रक, बसेस और कार ये सब उसी पे चलाएंगे। अभी मैं उनको कह के आया कि आप ये प्रोजेक्ट दो। अभी दिल्ली में तो मेरे यहाँ एक मिराई करके गाड़ी है, वो टोयोटा की है। मिराई का जापानी में अर्थ होता है भविष्य, और यही भविष्य है। तो आगे चलकर ये भी गाड़ी को ग्रीन हाइड्रोजन पे कन्वर्ट करना होगा। इसके बाद ट्रक, बसेस, ट्रैक्टर, हवाई जहाज, रेलवे और फैक्ट्री भी, कोयले की जरूरत नहीं, पेट्रोल की जरूरत नहीं, डीजल की जरूरत नहीं, गैस की जरूरत नहीं, पानी से हाइड्रोजन निकलेगा और उसके ऊपर दुनिया चलेगी। और मुझे एक बात लगती है कि मैं 2004 से ये कह रहा हूँ, पर आउट ऑफ बॉक्स कोई भी बात लोगों को समझाने में समय जाता है, क्योंकि वो जल्दी मानते नहीं है। जितनी बातें कहता था उतनी सब प्रूव हो गई। तो अब स्वाभाविक रूप से, और ट्रांसपोर्ट मंत्री मैं हूँ, और मेरा एक सपना है कि इस देश के पेट्रोल डीजल को इंपोर्ट को बंद करना। 16 लाख करोड़ रुपए का पेट्रोल डीजल देश में आता है और सब प्रदूषण हमारे देश में होता है। और अगर ये 16 लाख करोड़ में से 5 लाख 10 लाख करोड़ अगर गांव के गरीब किसानों के पास जाएंगे तो गांव के लड़कों को रोजगार मिलेगा। और इसलिए बड़े प्रमाण पर मैं बोलता हूँ कि अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनो, ताकि गांव में ऊर्जा तैयार हो जाएगी तो कोई किसान नागपुर, मुंबई, कलकत्ता नौकरी मांगने के लिए नहीं आएगा। और अभी वो दिन दूर नहीं है कि अपने खेती में कुआं होगा, ऊपर में रूफटॉप सोलर होगा, वहीं से इलेक्ट्रोलाइजर 1 करोड़, मैंने अभी एक फैक्ट्री का उद्घाटन किया है बेंगलोर में, तो पूरे 90% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट हो रहा है। तो अब इलेक्ट्रोलाइजर 1.25 करोड़ का है, और जो जनरेटर सेट है वो अभी किर्लोस्कर ने मेरे घर पे लगाया है यहाँ बिल्डिंग में, जो 100% बायो इथेनॉल पर चलने वाला देश का पहला जनरेटर है, क्योंकि डीजल का भाव 110 रुपये और इथेनॉल का भाव 60 रुपये। तो स्वाभाविक रूप से बचत। और मैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वालों के पीछे लगा हूं, जेसीबी ने ऐसा जेसीबी बनाया कि जो अपनी परली होती है राइस स्ट्रॉ, ये इससे बायो सीएनजी और बायो एलएनजी तैयार होता है। और मेरा ट्रैक्टर खुद का ये सीएनजी पर चलता है, और अभी वो उसके कारण किसान 1 लाख रुपए साल के अगर है तो उसकी बचत होगी, क्योंकि डीजल के बजाय सीएनजी पे चलेगा। और अभी सीएनजी भी ये हमारा फ्यूचर है, एलएनजी भी फ्यूचर है। तो मैं तो आज मुझे खुशी हुई कि जितना इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी, इलेक्ट्रिक और ग्रीन हाइड्रोजन, मैं पीछे पड़ा हूँ इसके। और मैं एक दिन ये दिन देखना चाहता हूँ कि हमारे देश का इंपोर्ट 16 लाख करोड़ का जीरो हो जाएगा, और हमारा देश का किसान ऊर्जादाता होगा, और गांव के लड़कों को रोजगार मिलेगा, और इससे देश का प्रदूषण, आज जो डॉक्टर के बिल आप दे रहे वो प्रदूषण के कारण दे रहे हैं, वो प्रदूषण खत्म होकर देश को मुक्ति मिलेगी। उसमें आपने आज ई व्हीकल का, ई भारत के नाम से इसका लॉन्चिंग किया है, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और निश्चित रूप से भगवान आपके इस उपक्रम में आपको शुभकामनाएं और आशीर्वाद दे, यश दे, यही प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार।